दोस्तों, मैं हूं नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप यहां पे समा के चावल के लड्डू बनाना सीखेंगे। आप इसे किसी भी त्यौहार पर और प्रसाद के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, तो आज हम आपको समा के चावल के लड्डू बनाना बताते हैं। समा के चावल के लड्डू आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे। 200 ग्राम मैंने समा के चावल लिया है। इसे मैंने अच्छे से धुल लिया था, छन्नी में इसे छान लिया था। पानी इसका सारा निकाल के मैंने इसे थाली में फैला के एक घंटे के लिए रख दिया। अच्छे से पानी सोख लिया है। ये भर भरा हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप करके ले लेंगे। 200 ग्राम मैंने खोया ले लिया है। खोया मैंने घर पर बनाया है, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। ये चीनी का रवा है जो मैंने घर पे बनाया है। चीनी का रवा आपको मार्केट में भी मिल सकता है आसानी से। एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे काजू बादाम और नारियल को मैंने रोस्ट कर लिया है, बारीक कट करके। आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं। अगर आपको रोस्ट करके लड्डू में नहीं पसंद है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं कट करके। इस तरीके से आप ले लेंगे। सबसे पहले हम रवा को रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में डाल के। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसे रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हल्का कम कर देंगे और इस तरीके से इसे रोस्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हल्का ये चिटकने लगा है, कलर भी चेंज होने लगा है, हल्का ये ब्राउन हो जाएगा। तो गैस को हम बंद कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कलर एकदम चेंज हो गया है, हल्का ये गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे जार में। गैस को बंद कर देंगे, हल्का इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसे मैंने जार में डाल के पाउडर बना लिया। इस तरीके से इतना बारीक अब बना लेंगे। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे, खोए में मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे इसमें, इलायची पाउडर डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। ये चीनी का रवा है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, हल्का सा हाथ में घी लगा लिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। बहुत जल्द तैयार हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनता है। इसी तरीके से आप सारा तैयार कर लेंगे। समा के चावल के लड्डू मैंने सारा बना के तैयार कर लिया। इस तरीके से अगर आप समा के चावल के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, प्रसाद में आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।